Hi guys, welcome to my channel once again. My name is Komal and if you are new to the channel guys, please consider subscribing. So guys, आज के वीडियो में बात करेंगे कैंपस चेंज को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि दी हमें कैंपस चेंज करना है, हमें विंडसर से टोरंटो कैंपस आना है या फिर हमें सारनिया से टोरंटो कैंपस आना है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना कैंपस चेंज कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और IRCC क्या कहती है कैंपस चेंज को। सो गाइज, ये पॉइंट आता ही क्यों है कि हमें कोर्स चेंज करना है, हमें कैंपस चेंज करना है, ये इसीलिए आता है क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हम सीरियस नहीं होते हैं इन चीज़ों को लेकर। हमें सिर्फ ये होता है कि वीज़ा आ जाए, उसके बाद हम कनाडा में जाने के बाद देख लेंगे, हमें अगर कोर्स चेंज करना है तो कर लेंगे, एंड अगर हमें कैंपस भी चेंज करना हुआ तो कर लेंगे। ये सब तो हो जाता है ना, यूट्यूब वीडियोज़ पर देखा है। बट अभी राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है कि एक एक साल तक, दो दो साल तक के जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट्स फुल हो चुकी है कॉलेज कैंपसेस में, एंड कैंपस चेंज करना नहीं इतना इजी हो। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू IRCC, अगर आप अपना कॉलेज कैंपस चेंज कर रहे हो या फिर आप अपना कॉलेज ही चेंज कर रहे हो, तो अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो आपको, आप जिस कॉलेज में दोबारा जा रहे हो वो DLI लिस्ट में होना चाहिए, एंड अगर आप कैंपस चेंज कर रहे हो तो आपको कुछ इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। येस, आप कर सकते हो कैंपस चेंज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बट हाँ, अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो गाइज़ प्लीज़ बी इन्फॉर्म, DLI लिस्ट में होना चाहिए एंड आपको गवर्नमेंट को अपडेट देनी पड़ती है आपके ही अकाउंट से, जिससे आपने ऑलरेडी जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था तब अकाउंट बनाया था एंड वो फ्री सर्विस। आप बात करते हैं कि कॉलेज क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज, अगर उस कैंपस में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें, उसी सेम कोर्स में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें सीट्स अवेलेबल है, तो येस यू कैन डू इट, दैट टू इफ कॉलेज अलाउस। तो टोटली डिपेंड करते हैं कॉलेज पे एंड सीट्स पे, तो ये दो फैक्टर मैटर करते हैं एंड येस आप कैंपस चेंज कर सकते हैं, इट्स दैट मच सिंपल एंड दैट मच टफ। ऑल्सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम क्या तरीका फॉलो करें जिससे हमारा कैंपस चेंज हो जाए। सो गाइज, इसके लिए तो एक ही मुझे लगता है जो प्रोसेस है, अगर आपके पास ईमेल ID है अपने एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जो ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, आप कॉलेज की वेबसाइट से देख सकते हैं, उस वेबसाइट पर जाके या उस मेल ID पर जाके आप उनको मेल डाल सकते हैं, एंड आप अपनी पूरा प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर कैनेडा में क्या होता है, आपको रियल सिनेरियोज एग्जाम्पल वाइज देने पढ़ते हैं कि आपको क्यों चेंज करना है, कि क्या ऐसा सॉलिड रीज़न है कि जिससे आपका कैंपस चेंज हो जाए, तो वो देना पड़ता है। या फिर अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, कैनेडा में लैंड कर चुके हैं एंड आप डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पर बात कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल एंड सेंसिबल। या सो गाइस, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कैंपस चेंज वाली प्रॉब्लम को लेके। पहला तो रीज़न यही होता है कि रिमोट एरियाज़ में जॉब नहीं मिलती है, ऑब्वियसली सबको पता है कि विंडसर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड अभी जो सिनेरियो है उसमें तो टोरंटो में ही जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज इट्स रिसेशन राइट नाउ एंड ये एकदम से जाने वाला नहीं है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, किसी को नहीं पता है। तो अगर आप कैंपस रिमोट साइड एरियाज़ में आ रहे हो ना 2023 और 2024, तो गाइस जॉब को लेकर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर लो, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन जैसे एरिया में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो फिर रिमोट एरियाज में तो क्या ही सीन होगा। तो इसीलिए डू चेक व्हाट इज़ योर कैंपस एंड दोबारा सोचो उस कैंपस के बारे में कि इसी में जाने की नहीं जाना, एंड मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस ब्लॉग को देखते हैं तो वो रीड करते हैं, तो मे बी अगर उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो तो वो आंसर कर सकते हैं, अगर मुझे पता हुआ तो डेफिनेटली मैं तो पक्का करने वाली हूँ।